तरह तरह का मैंने स्कीम बनाने का काम करने लगा, तो इस भाजपा वाले को और नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द होने लगा। उनको देखने लगा कि मुकेश सहनी जब कुछ नहीं था, जब बिहार में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों को झुकाकर 11 को सीट ले लिया। अगर बिहार में निषाद समाज के लिए काम कर देगा, उनको बेहतर जिंदगी देने लगेगा, ये पूरे बिहार के निषाद अति पिछड़ा का हीरो बन जाएगा और कल मुझे शायद 101 सीट देना पड़ेगा। जब कुछ नहीं था तब बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक पार्टी संगठित कर दिया, और ये तो अभी सरकार में आ गया है, तो इसको रोको, खत्म करो। उन्होंने एक रणनीति बनाने का काम किया कि भाई आप पार्टी विलय कीजिए, अब मंत्री बने रहिए और आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने कहा भैया ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार के निषाद समाज के सभी उपजाति बिंद बेलदार नुनिया मला निषाद के हर बेटा ने खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाया है, ये पार्टी हमारी नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाई जो है आरक्षण का, आप आरक्षण लागू कर दीजिए, फिर हम इस पे विचार करेंगे। आरक्षण आपका क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने आपको आरक्षण संविधान में देके गया, लेकिन इस धरती पर कुछ राज्य में लागू हुआ लेकिन कुछ राज्य में लागू नहीं हुआ। आज बंगाल में चले जाइए, वहां पे बिंद बेलदार नुनिया मला सबको आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे बिंद बेलदार नुनिया मला को आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन हमको बिहार में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये लागू कर दीजिए, क्योंकि ये लागू तो केंद्र सरकार का काम है कराना, और आप काम कर देंगे तो हम इस पे सोचेंगे। लेकिन उनका नहीं, कि ये समाज जो कल तक इसका पूर्वज 75 साल आजादी का बीत गया और हमेशा हमारे पैरों के तले दबा कर रखा हुआ था, ये अचानक ये समाज कैसे ऊपर आ गया है? इसको दबाओ, नहीं दबा पाओगे तो आने वाले समय में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा कि बिहार में ये आज आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, 100-100 करोड़ रुपया सुना हमने दिया है और विधायक को खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, अगर मैं नहीं चाहता तो शायद 2020 में सरकार नहीं बनता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता, अगर मैं उस रोज अगर नहीं चाहता तो। लेकिन हमने ईमानदारी का परिचय दिया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ विश्वासघात किया और पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। लेकिन हम घबराने वाले नहीं है। हम जब मुंबई से आए तो सैकड़ों में लोग हमें जानते थे, आज मुझे तो लाखों करोड़ों निषाद पूरे भारत में जानने लगा कि कोई सन ऑफ मल्ला है जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आज अगर मुझे बेहतर जिंदगी जीना होता तो आज मैं मुंबई में रहता, आज आपके पास नहीं आता। आज अगर मुझे लोभ लालच होता तो मैं भाजपा का बात मान लेता, जो 300-300 करोड़ रुपया विधायक को दिया वो हम ही ले लेते और हम उनके गोद में जाकर बैठ जाते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, आपको जो करना है वो आप करो लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने उसको ठुकराया और आज मैं मैदान में आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज उसकी बात मान लेता तो आज मंत्री बने रहता। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इस संसार में देखिए ना, ये पहले इस संसार में जितने भी लोग हैं एक सामान्य थे, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन सबके पास धीरे धीरे विकसित हुआ, कपड़ा हुआ, सब इस संसार में आदि मानव की जिंदगी जीता था, जानवर पकड़ के मार के खाता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, वहीं से हम लोग विकसित हुए। लेकिन आज देखिए कुछ वर्ग के पास, कुछ लोगों के पास बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कारों में, बड़े बड़े जगह पे रहते हैं, लेकिन आप और हम क्यों आज झोपड़ी में रह रहे? इसका कारण दो है। एक तो हम खुद समझदार नहीं हुए, हम खुद शिक्षित नहीं हुए, समझदार नहीं हुए, चुनाव के समय में 500 रुपया में अपने वोट को बेच देते हैं, और दूसरा वो लोग जो हमें खत्म करने के लिए सोचता है। जैसे आज बताइए ना, आज पूरे बिहार में निषाद समाज ने खून पसीना बहाकर एक पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया, एक हिंदुस्तान में इतिहास रचने का काम किया, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ।
जबकि उसको 74 को विधायक हमने बना दिया, उसका 74 बना हमको 4 बना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 4 विधायक को खरीद कर आज बिहार का वो एक नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार हो गया, आज हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। यानी कि उनके पास खाने के लिए रहने के लिए हर तरह का सुख सुविधा है, लेकिन हमारे सर पे अगर एक कपड़ा है तो उसको भी वो छीनना चाहता है, और वही आपके पूर्वज के साथ किया है। इस धरती पर हमेशा मजदूरी आपने किया, मेहनत आपने किया, लेकिन मलाई कोई और खाता है। आज देखिए, आपने क्या सोचा था कि देश में एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। आपने बहुत खुशी से घर नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। आपने सोचा था कि मोदी जी हर घर घर तक गरीब के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन यह अंदाजा था कि आपके घर पे अगर आटा खरीदेंगे उसके पे भी टैक्स लग जाएगा। आपको कभी यह अंदाजा था कि आप जो कपड़ा पहनेंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे मोदी जी? आपने तो मोदी जी को घर में बुलाया था, आपने टैक्स को थोड़े बुलाया था, लेकिन आज टैक्स आपके रूप में आपके घर पे आ गया। आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे आरएसएस है, जैसे आज वीआईपी पार्टी के पर्दे के पीछे बिंद बेलदार नुनिया मला है, एक मजबूती ताकत के साथ आज पार्टी को आगे लेके जा रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस है। और वो देखिए, 96 साल पहले संगठन बनाया, आज वो संघर्ष करते करते आज देश में भारतीय जनता पार्टी के नाम से सरकार बनाया, 303 सांसद बनाए, लेकिन पहला काम किसका किया? आज 85% पिछड़ा, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं इस धरती पर, अब 15% ऊंची जाति के लोग हैं। और आप भी मोदी जी की सरकार बना क्या हुआ कि 15% जो आबादी है उनको 10% आरक्षण लागू कर दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, कैस्ट, बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग हैं, और आप 85% है लेकिन आपको कितना आरक्षण मिल रहा है? और मेरा ये कहे 1% भी विरोध नहीं है कि ऊंचे जाति को आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं, आप दीजिए, लेकिन जब अगर निषाद का बेटा 1,00,000 रुपया कमाने वाला है साल में, उनको बेटे को आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ऊंचे जाति के लोगों को 8,00,000 कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं, आप बताइए आपकी नीति सही नहीं है? जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, आपने हमको लागू नहीं किया, और जिसने कभी मांगा नहीं उसको आप आरक्षण दे दिए? आपने कभी देखा कि पूरे बिहार में या भारत में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार ने आंदोलन किया होगा कि हमको आरक्षण दो? कभी कहीं देखा आपने धरना प्रदर्शन किए? लेकिन नहीं किया, लेकिन उनका सरकार बना, उनको आरक्षण मिल गया। और आप वर्षों से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, हर चीज आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा। भैया, इस देश में संविधान ने कहा है जो गरीब वंचित लोग हैं उनको सरकार के तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आज आप हमको नहीं दे रहे, लेकिन आप उनको दे रहे हैं, लेकिन आप हमको गुमराह कर रहे हैं 5 किलो चावल देके, लेकिन हमारे बच्चे को पढ़ाना लिखाना आपने छोड़ दिया, आप हमारे बच्चे के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था देना आपने छोड़ दिया, लेकिन आप 5 किलो चावल दे रहे हैं, लेकिन नौकरी किसको दे रहे हैं? आप उन लोगों को 10% के रूप में आपने आरक्षण देने का काम किया। आज देखिए, सेना में भर्ती कौन होता है? 40,000 के नौकरी करने के लिए कौन जाता है? गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा। लेकिन ये नौकरी में आपने क्या किया? बॉर्डर पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए हमेशा पिछड़ा, गरीब का बेटा जाता है, और आपने क्या किया? 4 साल का नौकरी कर दिया। अब बताइए, 4 साल का नौकरी आपने कर दिया, 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे? नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार
और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।